नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस ट्रिप। हर किसी व्यक्ति को मुश्किल समय का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह उसके दृढ़ संकल्प और समर्पण को नापने का एक तरीका भी है कि कैसे वो उस मुश्किल समय से निपटता है और उससे कैसे बाहर निकलता है। और यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ज़्यादातर जो लोग कर रहे हैं उससे कुछ अलग करना होगा। ऐसे ऊंचे विचार रखने वाले लक्ष्मी निवास मित्तल, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आरसीएल मित्तल के चेयरमैन हैं और फोर्ब्स के अप्रैल 2021 लिस्ट के मुताबिक ये भारत के छठे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनकी कुल संपत्ति $17.5 बिलियन है। लक्ष्मी मित्तल को स्टील किंग भी कहा जाता है और आज ये अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इनका परिवार दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता था। तो आइए जानते हैं कि कैसे लक्ष्मी निवास मित्तल ने इतनी सफलता पाई और क्या है इनके पीछे की सक्सेस स्टोरी। तो लक्ष्मी मित्तल का जन्म 15 जून 1950 में राजस्थान के सादुलपुर नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां 1960 तक बिजली भी नहीं पहुंची थी। अपने बचपन में वे जमीन पर दरी बिछाकर सोते थे, क्योंकि एक छोटे से घर में 25 लोगों को रहना पड़ता था। बाद में उनके पिता कलकत्ता चले गए और एक छोटी सी स्टील मिल खोली। स्कूल के बाद लक्ष्मी मित्तल अपने पिता के काम में मदद करते थे। शुरुआती पढ़ाई हिंदी मीडियम से करने की वजह से कलकत्ता के सेंट जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल ने लक्ष्मी मित्तल का एडमिशन करने से मना कर दिया। बाद में किसी तरह उनका एडमिशन हुआ और उन्होंने कॉलेज में टॉप भी किया और प्रथम श्रेणी से ग्रेजुएशन पास करके खुद को साबित भी किया। ग्रेजुएशन करने के बाद लक्ष्मी मित्तल ने अपने पिता की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन 1976 तक भारत सरकार ने स्टील उत्पादन पर कुछ पाबंदियां लगा दी। जब लक्ष्मी मित्तल अपने पिता की जमीन बेचने इंडोनेशिया गए, तब उन्हें पता चला कि इंडोनेशिया में बिजनेस के लिए कोई रोक नहीं है और यहाँ पर लाइसेंस भी आसानी से मिल रहा है। तभी उनके दिमाग में वहाँ पर स्टील बिजनेस को शुरू करने का आइडिया आया और इन्होंने अपने पिता की मदद से पीटी इस्पात इंडो नाम से अपनी पहली स्टील प्लांट की स्थापना इंडोनेशिया में की और पूरे 14 साल तक वे इंडोनेशिया में ही रहे और अपनी कंपनी को चलाते रहे। लेकिन अभी तक लक्ष्मी मित्तल ये समझ चुके थे कि स्टील बिजनेस को बढ़ने में काफ़ी समय लगता है और इसलिए इन्होंने नई स्टील मिल बनाने की बजाय घाटे में चल रही स्टील मिलों को दुरुस्त करके तेजी से तरक्की करने के बारे में सोचा और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नई मिल बनाने में पैसा भी अधिक लगता है और समय भी। इसलिए उन्होंने अपनी सारी एनर्जी इस बात पर केंद्रित रखी कि वे घाटे में चल रही मिलों को खरीदेंगे और उसे प्रॉफिटेबल बनाएंगे। साल 1989 में इन्होंने सरकारी फर्म त्रिनाड एंड तंबाकू को खरीदा। उस वक्त यह कंपनी $1 मिलियन का रोजाना घाटा कर रही थी और लक्ष्मी मित्तल ने इसे भी मुनाफे में बदल दिया और इसी प्रकार ये घाटे में चल रही कंपनियों को खरीदते रहें और सबको मुनाफे में बदलते रहें। साल 1995 में ये अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो गए और अब भी वो लंदन में ही रहते, लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी है। लक्ष्मी मित्तल ने 2006 में आर्सेलर को खरीदने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त के सीईओ गाय डोले ने $24 बिलियन के ऑफर को मना कर दिया। बाद में कंपनी के शेयर में गिरावट होने के बाद यह सौदा $33.5 बिलियन में हुआ। आर्सेलर के सीईओ गाय डोले के जाने के बाद लक्ष्मी मित्तल ने इसके सीईओ और चेयरमैन की भूमिका निभाई और फिलहाल आदित्य मित्तल कंपनी के सीईओ हैं। आर्सेल मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी है, जिसमें 60 देशों में कुल 1,60,000 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। और साल 2008 में लक्ष्मी मित्तल को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो देखा दोस्तों, कैसे लक्ष्मी मित्तल ने अर्थ से फर्श तक सफर तय किया। ये सब संभव हुआ क्योंकि लक्ष्मी मित्तल ने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और उसे हासिल करने की अच्छी प्लानिंग भी की। और अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपको भी सफलता अवश्य मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट करके ये बताइए कि आप और कौन से बिजनेस और बिजनेसमैन के बारे में जानना चाहते हैं। और शेयर करें इस वीडियो को उन लोगों के साथ जिन्हें बिजनेस में इंटरेस्ट हो। और हर संडे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सक्सेस ड्रिप को फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले संडे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।